हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस 2022-23 का, PSEB का, क्लास 11th का। तो बच्चों, पंजाब बोर्ड के जो बच्चे हैं 11th क्लास का जो है, अभी मैं सिलेबस डाल रही हूँ, बच्चे 12th के भी बोल रहे हैं, तो बेटा धीरे धीरे मैं सभी के सिलेबस जो है इस वीक में, मीन्स जो ये वीक आने वाला है इस वीक में आपके कंप्लीट कर दूंगी। तो इसके लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर वीडियो अपलोड होने के 1-2 दिन बाद आपको वहाँ पर पूरी PDF मिल जाती है। तो बच्चे, जो प्रीवियस वीडियो थी 11th के, मैंने नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट का सिलेबस जो है पूरा प्रोवाइड कर दिया था। कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, और टेलीग्राम में आपको उसका जो है PDF भी दे दी थी। अब नेक्स्ट जो है, अब ये जो आज की वीडियो है ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और आर्ट्स वाले बच्चे आप जो है वीडियो के नीचे पहले अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट ज़रूर बता दें, ताकि मैं उसी हिसाब से आर्ट्स के सब्जेक्ट की वीडियो बना पाऊँ और बता पाऊँ आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है और क्या पैटर्न है। तो इसके लिए, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि जो बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है आर्ट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी, ठीक है, और उसको सारे सिलेबस और पैटर्न आपको बता दूँगी, ठीक है। तो बच्चे, आज का जो वीडियो है ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बच्चे, अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 1-2 दिन में मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर सारी PDF दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कॉमर्स के ही सब्जेक्ट अभी मेन लेंगे, और जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं ना 11th के, वो हम बाद में इकट्ठे बना देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बच्चों, अगर आप जो है वीडियो जो है बाद में देख रहे हो, आर्ट्स वाले बच्चे देख रहे हैं या मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे देख रहे हैं, और उनको वीडियो नहीं मिल रही है सिलेबस वाली, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सिलेबस 2022-23 11th क्लास का, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। और वहाँ पे आपको आर्ट्स की तो अभी मैंने अपलोड नहीं किया, आर्ट्स के आप सब्जेक्ट बताओगे तब अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी ये थोड़ा बताना रह गया था, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, अपने सिलेबस को। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये 2022-23 का सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, फर्स्ट जो है ये मैं आपको बता रही हूँ अकाउंटेंसी का, ठीक है। ये जो है कई ह्यूमिडिटीज़ जो ग्रुप्स के बच्चे होते हैं तो उनके पास भी होता है, और कॉमर्स के पास तो होता ही है। इसकी टाइमिंग आपको 3 आवर्स की होगी, ये फाइनल पेपर का आपका बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो कि आ चुका है बोर्ड की तरफ से। थ्योरी आपकी 80 नंबर की होगी, और जो प्रैक्टिकल होगा आपका वो 15 मार्क्स का होगा, और इस बार आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है 5 मार्क्स की होगी, मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, टर्म 1 टर्म 2 कोई पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सिलेबस भी है यूनिट 1 का, आप चाहे स्क्रीन शॉट ले लें या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मैं 2 दिन बाद प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। ये सेकेंड यूनिट है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद 3rd यूनिट ये है आपकी, नेक्स्ट 4th यूनिट एंड 5th यूनिट, 6th यूनिट, नाउ नेक्स्ट 2nd पार्ट की जो बुक है उसमें 7 चैप्टर, ठीक है, यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिट 8 भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विद एडजस्टमेंट, यूनिट 9 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद जो पार्ट 3 है उसमें कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, यूनिट 8, यूनिट 9, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है, ये प्रैक्टिकल आपका 15 मार्क्स का होगा, तो 3 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल की नोटबुक होगी, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे 3 3 मार्क्स के, 3 9 मार्क्स के। उसके बाद आपका वाइवा होगा 3 मार्क्स का। जो इंटरनल असेसमेंट है आपकी, वो बुक बैंक होगी, मीन्स आपको स्कूल में कोई भी बुक वगैरह डिपॉजिट करानी पड़ी होगी और उसके मार्क्स लगेंगे। और दूसरा होगा एवरेज पीरियडिक टेस्ट, जो आपके जो वीकली मंथली जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो है 80 मार्क्स का पेपर होगा, और प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट सेम वही होगी, 5 मार्क्स की, और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपकी थ्योरी का, आप चैप्टर देख सकते हैं, यूनिट 1
ठीक है, पार्ट ए में है और मैं आपको फटाफट दे दिखा रही हूँ। आप बस वीडियो पॉज वगैरह करके आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो आपको दो दिन में मिल जाएगी। अभी आप थोड़ा सा जो है देख लो कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप बेटा इलेवंथ में अगर अपना बेस कंप्लीट रखोगे ना, ट्वेल्थ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको समझा रही हूँ। इलेवंथ बहुत अच्छे से पढ़ना, अगर इलेवंथ आपने अच्छे से क्लियर की ना तो फिर ट्वेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर इलेवंथ आपने अपनी बर्बाद कर दी तो ट्वेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, ठीक है। यूनिट एट है, ठीक है, उसके बाद है यूनिट नाइन, टेन और ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। तो ये आप इसका प्रोजेक्ट वर्क का स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ये आपका पार्ट वन है इकोनॉमिक्स। इसमें भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, ठीके? जैसे ही मार्क्स वगैरह पैटर्न वगैरह आ जाएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये पार्ट टू है, इसमें स्टैटिक ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, कितने यूनिट से आप देख लो बस। उसके बाद पार्ट सी पंजाब इकोनॉमिक, ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लो, ठीक। और बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, ठीक है, और आप अपने इलेवंथ की तैयारी अच्छे से करो। ओके स्टूडेंट्स, ये मेन आपके कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट हो गए। अगर कोई सब्जेक्ट मुझसे रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उसकी भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पंजाब बोर्ड के अपडेट के लिए बने रहो।